इंदौर इन दिनों माया नगरी मुंबई में काम करने वाले कलाकारों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसी के चलते सभी कलाकार इंदौर का रुख कर रहे हैं। एनटीवी और जी कंपनी के फेमस शो हप्पू की उल्टन पलटन के मुख्य किरदार योगेश त्रिपाठी यानी हप्पू सिंह और गीतांजलि मिश्रा यानी कि राजेश सिंह सोमवार को इंदौर पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से बात करते हुए योगेश त्रिपाठी ने बताया कि काफ़ी अच्छा लगता है जब अपने किरदार को इतनी ज़्यादा पहचान मिलती है और इतनी ज़्यादा सराहना मिलती है। वहीं गीतांजलि मिश्रा ने कहा कि मैं अब तक गंभीर किरदार निभाते आई हूँ, लगभग 5-6 साल से ही इस शो से जुड़ी हूँ, तो मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी नई थी, लेकिन अब मैं इस किरदार में ढल गई हूँ और मुझे यह किरदार को निभाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। दोनों ही कलाकार उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए भी जाएंगे। अलग अलग कैरेक्टर थे जी, वो भी किया, वो बंद हुआ तो उसके तुरंत बाद भाभी जी शुरू हो रहा था, तो वो बंद हुआ और एनटीवी ने ये शुरू किया, तो फिर इसमें दरोगा का रोल। कहीं ना कहीं भाभी जी घर पे में काफी ऐसा ऊपर मतलब अप डाउन का समय आया, लेकिन आपकी कैरेक्टर ने उसको बांधे रखा। इसीलिए मैं लोगों का शुक्रिया हमेशा करता हूँ कि लोगों ने इतना प्यार दिया कि एक दिन के कैरेक्टर को रेगुलर किया और उसके बाद उस पर शो भी बना दिया, तो ये लोगों के प्यार की वजह से। दोनों, हाँ, आज 2 तारीख को भाभी जी को 9 साल हुए और 2 दिन बाद आज 4 तारीख है। आज के दिन हम लोग अपनी शो की स्क्रीनिंग रात के 10 बजे देख रहे थे। इंदौर आए हैं, इंदौर में आपको कैसा लगा यहाँ पे? मैं कई बार आया हूँ और मेरे बहुत दोस्त यार भी यहाँ रहते हैं और महाकाल के भी दर्शन कर चुके हैं, हम लोग पहले भी आए हैं। और जब हमारा शो शुरू हुआ था तो हमने ओपनिंग ही प्रमोशन का जो दौर होता है, हर शहर में आप जाते हो, तो इंदौर आके जैसे हमेशा अच्छा लगता था और आज भी अच्छा लग रहा है।